अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं एक और प्रोडक्ट का रिव्यू देने लगी हूँ, और ये मैंने ख़ुद प्रोडक्ट जो है वो अपने ऊपर जो है पहले अप्लाई करके यूज़ करके देखा है, और फिर जो है मैं इसका रिव्यू देने लगी हूँ। इस प्रोडक्ट का नेम है ऑलिव एक्सट्रैक्ट हेयर फिल्म, ठीक है। ये भी जो है ना मैंने यूज़ किया है, और मैंने पहले इसके रिव्यूज़ चेक किए थे। ऑब्वियसली मैंने अपने जो है अपनी अमाउंट स्पेंड करके जो है मैंने परचेज़ करना होता है प्रोडक्ट में, कोई जो है मुझे ये पीआर प्रोडक्ट्स नहीं होती मेरे पास, तो ऑब्वियसली तो मैंने जो है इसको परचेज़ किया। पहले मैंने जो है इसके सारी जो है टिकटॉक पर पहले मैंने इसकी वीडियो वायरल देखी थी, एंड देन फिर जो है मैंने इसको पूरा स्टडी किया तो मैंने परचेज़ किया। इसकी कॉस्ट मुझे राउंड पड़ी थी, मैंने उसी व्हाट्सएप ग्रुप से जो है इसको परचेज़ किया था जिससे मैंने लास्ट टाइम जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे एक दफ़ा एक चीज़ परचेज़ कर ली जाए तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट से जो है पता चल जाए, मतलब पता चल गया था कि ये जो है प्रॉपर जो है मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये मुझे चीज़ जो है वो अच्छी ही प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आप लोगों की पर्सनल चॉइस, में कोई जो है उनकी प्रमोशन नहीं कर रही, बट मैं अपने अपना शेयर कर रही हूँ कि जो है मुझे मेरे लिए तो ट्रस्टेबल ग्रुप रह हो गया है वो, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में लाइक हर आइटम्स ही जो है वो डील कर रहे होते हैं, चाहे वो ड्रेसेस हो कोई भी चीज़ हो, तो मैं तो रेकमेंड करती हूँ। बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस कि जहाँ से आप मर्जी परचेज करना चाहें। और ये मुझे इसकी कॉस्ट राउंड पड़ी थी मुझे 700 विदाउट डिलीवरी चार्जेस, और जो है और मैंने जब इसको यूज़ किया तो इसके भी रिजल्ट्स अमेजिंग थे। और जैसे इसका ऑलिव एक्सट्रैक्ट जो है ऑलिव ऑयल के फॉर्म में ही है ये, मतलब लाइक ऑलिव एक्सट्रैक्ट है तो उसी तरह से लग रहा है मुझे तो, कि बिल्कुल जिस तरह ऑलिव ऑयल आपको आपके हेयर्स को नरिश करता है उसी तरह से ये नरिश करता है। इसका टेक्सचर भी इसी तरह से ये पिस्ता कलर का है, वाइटिश सा कलर का भी हो तो इट्स ओके, क्योंकि दोनों ही जो है ना वो ठीक हैं इसके कलर्स। तो ये जो है मैंने थोड़ा सा यूज़ किया हुआ तो इसीलिए अब इसमें आपको प्रॉपरली जो है विजिबल नहीं है कि वाइट कलर है या पिस्ता कलर है, बट ये लाइट वाइटिश और पिस्ता मिक्स ही कलर है, राइट। तो अब इसके जो है प्रॉपरली इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम, इसको जिस तरह से हम ऑयल को अप्लाई करते हैं उसी तरह से जो है अप्लाई करते हैं कि अपने हमने पाम पे लेके पाम को रब करके और जो है ना स्कैल्प पे मसाज करें प्रॉपरली, तो उसी तरह से जो है हमने इसको यूज़ करना है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये प्योर ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये आप देख सकते हैं। सोया अमीनो एसिड और नट सीड ऑयल वगैरह इसमें जो है अवेलेबल है। बाकी ये हमारे इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, और इस पे सारी चीज़ें मेंशन है कि ये हमारे हाइड्रेट करता है और ऑयल को रेगुलेट करता है। ऑयल कंटेंट हमारे बाज़ दफ़ा जो है वो हमारे ओवर सिक्रीशन होती है हमारे हेयर्स पे ऑयल की, तो ये ऑयल की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, हमारे हेयर्स को सिल्की सॉफ्ट टेक्सचर देता है, और जो है बाउंसी फ्रिजीनेस वगैरह उसको कंट्रोल करता है, हमारे हेयर्स को जो है हेल्दी लुक देता है। हेल्दी आप ये कह लेंगे जिस तरह से ऑलिव ऑयल जो है वो हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह से जो है यही काम करता है, और मेरे अकॉर्डिंग इट्स वर्थ माइंड 700 का है। मैं थोड़ी सी हेयर ऑब्सेस्ड हूँ, तो अपने हेयर्स के मामले में थोड़ी सी ऑब्सेस्ड हूँ, तो मुझे तो ये अच्छा ही प्रोडक्ट लगा है। बाकी जो है इट्स योर पर्सनल चॉइस, कोई परचेज़ करना चाहता है नहीं चाहता है इट्स योर पर्सनल चॉइस, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो इट्स वाओ और वर्थ पाएंगे। इट्स नॉट मच 700 जो है, अगर कोई मतलब लाइक हेल्दी लुक चाहता है हेयर्स की तो वो ऑब्वियसली बाई कर सकता है। और ज़ाहिर हेयर केराटिन ट्रीटमेंट जो है मैंने लास्ट रिव्यू दिया था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है 3500 का, तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप ये ऑलिव एक्सट्रैक्ट जो है हेयर फिल्म आप बाई कर सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के मैं अच्छे ही रिव्यूज़ दूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको जो है वो हेयर्स पे भी रिव्यू दूँ, हेयर्स पे अप्लाई करके दिखाऊं, तो फिर जो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट जो है वो हेयर्स पे भी अप्लाई करके दिखा सकती हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू टेक इट ऑन योर पाम, जस्ट रब योर पाम फ्रॉम बोथ हैंड्स एंड देन अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। अप्लाई कैसे करना है, आपने जस्ट मसाज करना है, जैसे सिंपल इज दैट, लाइक आपने जो है जिस तरह आप ऑयलिंग करते हैं अपने स्कैल्प की उसी तरह से आपने
जो है इसको अप्लाई करना है, सिंपल है। बाकी ये डिपेंड करता है कि जो है मैं जो अच्छा रिव्यू उसका दे रही हूँ उसका, ये जो है पीआर तो है नहीं मेरा कि मैं जो है इसको अच्छा ही रिव्यू भी दे रही हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग ये वर्थ पाएंगे, दैट्स वाई आई एम गिविंग इट्स रिव्यू। बट अगर हम देखा जाए तो 10 में से मैं इसको 7 तो ज़रूर दूँगी। बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस, और आपने परचेज़ करना है नहीं करना इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है इट्स लाइक अ वाओ। मैंने इसके रिव्यूज़ अच्छे ही क्यों दिए, इसकी रीज़न ये है कि जो है मैंने अपने हेयर्स पे वाकई जो है वो एक थिकनेस, एक जो है हेयर की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देखी, और जो है थोड़ा सा ये कि आपको अपने हेयर्स जो है सॉफ्ट सिल्की फील होते हैं। तो मैंने वो ट्रीटमेंट्स यूज़ किए, मतलब लाइक केराटिन ट्रीटमेंट और केराटिन और इसका जो है दोनों के साथ भी मैंने वैसे देखा, तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट वर्थ पाएंगे। बाकी इट्स टोटली अप टू यू के जो है आप लोग परचेज़ करना चाहें ना चाहें, इट्स योर पर्सनल चॉइस। इस प्रोडक्ट का लिंक जो है मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सॉरी मेरे पास इस प्रोडक्ट का तो लिंक नहीं होगा, लेकिन जिस ग्रुप से मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जो है मैं इसको परचेज़ करती हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप का मैं जो है लिंक आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मेरे लिए ट्रस्टेबल है, इट्स अप टू यू कि आप जहाँ से मर्जी इसको परचेज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरे लिए एक ग्रुप ट्रस्टेबल है तो मैं वहाँ से ही परचेज़ कर लेती हूँ उन लोगों से ही। बाकी जो है आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा या मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट किसी भी प्रोडक्ट का आप लोगों को रिव्यू करवाना हो तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।